खुश आमदीद डीएचए लाहौर से। और आज गनी रमजान टोनी 2023 का सेमीफाइनल्स और पहला सेमीफाइनल शुरू हो रहा है गनी सिरामिक्स और एचबी लाल ग्रुप के दरमियान। और दोनों टीमें आपके सामने स्क्रीन पर, काफी स्टार स्टडेड नाम है इन दोनों टीमों में। गनी सिरामिक्स ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। हवा में बॉल और सीधी फील्डर के हाथों में, बैकवर्ड पॉइंट पर कैच ले लिया गया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था जिसकी वजह से ताहिर बेग इसको कंट्रोल नहीं कर सके और एहसन भट्टी ने कैच लेकर उन्हें आउट कर दिया। और ये रब्त हो गया गेंद का बल्ले से और नतीजा भी मतलूबा मिल गया। नईम ने रफ्तार का इस्तेमाल किया। ये कमजोर शॉट और बड़ा उम्दा कैच, सामने की जानिब डाइव करके। लंबे फास्ट बॉलर के लिए कैच करना आसान नहीं होता। उमैद आसिफ ने अपनी इफादियत साबित की और बिलाल मुकीत जो है इनकी मुजाहमत दम तोड़ गई। और ये बाउंड्री के पार उतार दिया अखलाक ने गेंद को। जब जब मोहम्मद अखलाक खेल रहे हूँ आप चौके छक्के से ज्यादा दूर रहते नहीं। इसे स्विंग कर दिया, लॉन्ग लेग पर फील्डर आ चुके हैं और ये इनिंग्स जल्दी अंजाम को पहुंच गई। अखलाक जो ज्यादा जल्दी में नजर आ रहे थे इस बार गैर यकीनी के अंदाज में हुक शॉट उन्होंने खेला और गेंद महज शब्द के आसमानों में ही पहुंच सकी उतरने से पहले। इस बार अच्छे तरीके से प्लेस किया ऑफ साइड पर, बड़ा शानदार छक्का था। फुल टॉस, बड़ा शानदार एक अटेम्प्ट है, देखता होगा कहां से कहां तक जाती है। और गेंद काफी आगे चली गई, बहुत जबरदस्त तरीके से ये एक छक्का लगाया नईम ने। ये गेंद हवा से बातें करती हुई जा रही है लेकिन, और शानदार कैच यहां पर किया है नियाज खान ने। ये गेंद काफी देर हवा में रही लेकिन नियाज खान गेंद के नीचे आए और मोहम्मद नईम की बड़ी विकेट दिलवाई है उमैद आसिफ को। गेंद गई है लॉन्ग ऑन पर सीधी फील्डर के पास तो सलमान अली आगा को कामयाबी हासिल हुई। शोएब आउट हुए तो इस तरह ये पांचवी विकेट गिरी है इस बलाल की। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था सीधा फील्डर के हाथ में, जोरदार पुल है इस बार और इसके इंतजार में थे सलमान। ये छक्का है और बिल्कुल आफाक को इसकी कतई तौर पर जरूरत नहीं थी कि ऐसी गेंद करे जो कि लूजर जिसका इंतजार कर रहे हैं आमिर। पुल ये अच्छी पुल है और वहीं पर गई जो इसका ठिकाना था और बोल्ड हो गए। यहां पे एंजॉय किया नियाज ने जो बॉल विकेटों को टकराने की आवाज आई और विकेटें जगमगा उठी। आमिर जमाल की इनिंग्स बुझ गई। ये देखिए जिस तरीके से इसको पुल करने गए थे और अपनी विकेट खो बैठे। गेंद सीधी स्टंप्स के ऊपर जाके लगी और उस्मान जो कि क्रॉस खेले थे अपने आउट होने पर जाहिर के मायूस हुए हैं। और एक और विकेट ले उड़े, इस बार भी ये ऑफ कटर थी। बैट्समैन ने अपनी स्टंप्स को बेनकाब छोड़ा। एक उल्टा फिर कटर इन टू द पिच और ये विकेट मिल जानी चाहिए। उम्दा कैच लिया पीछे की जानेब जाते हुए। क्या ये हिट विकेट हो गए क्योंकि गेंद गुजरने के काफी देर बाद ये बेस गिरी हैं। और ये इनका बल्ला लगा है जब ये पीछे आए यहां इनका बल्ला टकराया। जी हाँ ये हिट विकेट है, हिट विकेट है जिस तरह ख्याल था यहाँ कमेंट्री बॉक्स से ये वही हुआ है। इतने बेखबर थे कि उनको ये अंदाजा नहीं हो सका कि वो विकेट के कितने करीब कर रहे हैं। पहले ही बॉल पे स्विंग, बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद और उतना ही शानदार कैच लिया है। ऐसी ही एफर्ट की जरूरत थी
सरप्राइज कर दिया वकास मकसूद को भी, जिशान अशरफ को भी। क्लोज क्लोज क्लोज, जी हाँ आउट दे दिया। ओ यही आगाज चाहिए था वकास मकसूद की जानिब से। दो बड़ी विकेट्स पहले ही तीन बॉलों पे हासिल कर ली हैं। सलमान अली आगा रॉन्ग शॉट सिलेक्शन, क्रॉस खेलने चले गए, फॉर्म को कैश इन नहीं कर सके और बड़ी विकेट यहां पे दे दी है एच बिलाल को। बेहतरीन शॉट, लाजवाब टाइमिंग और एक्सलेंट प्लेसमेंट जुनेद की जानिब से। और इस मरतबा पोल कर दिया, खराब लाइन थी और इसका पूरा फायदा उठाया जुनेद ने। करीबी मामला ये, क्लोज है ये। एक बार फिर एक और विकेट हासिल कर लिया आमिर जमाल ने। एक और विकेट रही एच बिलाल के लिए। इस बार इन फॉर्म जुनेद वापस जाएंगे। हवा में बॉल, हवा में बॉल, हवा में बॉल, फील्डर जी हाँ कैच ले लिया। एक और इंपॉर्टेंट विकेट, बहुत ही शानदार कैच लिया है इस बार। ताहिर बेग थे फील्डर्स को लेग पे खड़े हुए और एहसान भट्टी की बड़ी विकेट हासिल कर लिया आमिर जमाल ने। पुल और इस बार गेंद गई थी डिफेंडर के पास, यहां पे चेस रूज किया और कामयाबी हासिल हुई सलमान इरशाद को। ये एक सेटबैक है मैं कहूंगा। जबरदस्त तरीके से गेंद को खेला है ऑफसाइड पर और गेंद जाएगी चार रन के लिए बाहर। बड़ा शानदार चौका उमैद का, अथॉरिटी वाला और भरपूर ताकत वाला छक्का था दरअसल, क्योंकि ऑन द अप उमैद ने खेला। लॉन्ग रीच है इनकी और इजी बैट फ्लो। एलबीडब्ल्यू की अपील है और अपील करते चले जा रहे हैं ताकि से फैसला दिया अंपायर ने। तो इस तरह एक और कामयाबी हासिल हुई वकास को और ये छठी विकेट गिरी है गनी सिरेमिक्स की। एलबीडब्ल्यू आउट हुए उमैद 10 रन बनाने के बाद। इस बार ये फ्लिपर इसे बिल्कुल नहीं समझ सके, लेंथ और लाइन दोनों को उस्मान कादिर ने पहला शिकार किया। और ये अच्छा शॉट लेकिन बहुत अच्छा शॉट नहीं था, उस्मान कादिर ने कैच कर लिया। बहुत देर से विकेट पर मौजूद थे मोहसिन और उन्होंने आड़े हाथों लेने की कोशिश की सुफियान मुकीम को, अलबत्ता बाउंड्री को ये क्लियर नहीं कर सके। और ये गेंद भी टकराई है सीधी पैड से और यहाँ पर मोहम्मद आसिफ ने आउट दे दिया। नवी कामयाबी, उमैर बगैर कोई रन बनाए वापस जाएंगे और अब एच बिलाल की टीम जीत से ज्यादा दूर नहीं है। बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद, फील्डर मौजूद जी, और ये कैच ले लिया और इनिंग का खात्मा कर दिया इस विकेट के साथ। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, आप देख सकते हैं किस तरीके से फेलो टीम मेंबर्स भाग के जा रहे हैं क्योंकि ये एक अनबिलीवेबल विक्ट्री है एच बिलाल के लिए। इन्होंने आउट प्ले कर दिया है अपनी बॉलिंग से सिरेमिक्स की बैटिंग को एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। 113 एच बिलाल और 75 पर टीम बंडल आउट हो गई गनी सिरेमिक्स की। नुमाया रहे एच बिलाल की तरफ से नईम 32 रन बनाए, आमिर जमाल ने 22 रन बनाए और सलमान फयाज ने 15 रन बनाए, जबकि चार विकेट हासिल किए नियाज खान ने 22 रन देकर, मोहम्मद अली ने 11 रन देकर दो विकेट हासिल की, जबकि सलमान अली आगा ने 16 रन देकर दो विकेट हासिल की। जवाब में गनी सिरेमिक्स दे वर बंडल आउट फॉर 76 जस्ट इन 12.3 ओवर्स। तैयब ताहिर 14, मोहम्मद मोहसिन 14 और उमैद आसिफ 10 रन बनाकर आउट हुए। वकास स्पेयर हेडेड, दिस नेकिंग लाइन लेंथ ही, ही गॉट 3 फॉर 16 इन 4 ओवर्स। बड़ा उनका उम्दा स्पेल रहा। सुफियान मुकीम ने भी दो विकेट हासिल की और उस्मान कादिर ने भी दो विकेट हासिल की।